जेडीयू के भोज में नहीं पहुंचे कई विधायक। बिहार में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियों तेज हो गई हैं। बिहार की नवगठित सरकार को 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा। इससे पहले आज पटना में जेडीयू की अनौपचारिक बैठक में कई विधायक नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में सिर्फ 15 मिनट ही रहे, उसके बाद वे निकल गए, जिसके बाद से फिर राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई विधायक संपर्क में नहीं है। सामने आ रही खबरों के मुताबिक मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर शनिवार दोपहर में भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी जेडीयू विधायकों को बुलाया गया था। बताया उसमें जेडीयू के 40 से कम विधायक ही मीटिंग में पहुंचे। बता दें कि जेडीयू के बिहार विधानसभा में 45 विधायक हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गांधी मैदान में कृष्टि मेले का निरीक्षण करने के बाद मंत्री के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन उस समय तक पार्टी के सभी विधायक बैठक में नहीं पहुंच पाए थे। सीएम नीतीश कुमार करीब 15 मिनट ही श्रवण कुमार के आवास पर रुके और फिर वहां से निकल गए। जो जेडीयू विधायक इस बैठक में नहीं आए उनमें डॉक्टर संजीव, बीमा भारती, अमन कुमार, गोपाल मंजर, सालुनी मिश्रा, गुंजेश शाह, सुदर्शन और दिलीप राय शामिल है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 37 विधायक ही बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर जेडीयू नेताओं का कहना है कि अधिकतर विधायक बैठक में पहुंच गए हैं, जो नहीं आए वे पटना जल्दी पहुंच रहे हैं। जेडीयू की ओर कहा गया है कि कुछ विधायक रास्ते में हैं, वे शाम तक पटना पहुंच जाएंगे। वहीं एक दो विधायकों ने निजी कार्डियो और स्वास्थ्य कारण शामिल नहीं हो पाए हैं।